आज मैं तुझे एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका शिकार होने से आज तक कोई नहीं बच पाया है। कौन सी भाई? वही जिसमें लोग खाना पीना सोना हिलाना सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी? एग्जाम। ये फिर शुरू हो गया। अगर ब्लैकमेलिंग इलीगल है तो दुनिया के सारे टीचर को अंदर डाल दो। जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है साले इंटरनल काटने के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। असाइनमेंट लिख के लाओ नहीं तो इंटरनल काटूंगा। 70% अटेंडेंस चाहिए नहीं तो इंटरनल काटूंगा। रोज मेरा पिछवाड़ा खुजाओ नहीं तो इंटरनल काटूंगा। काटो काटो साले का पिछवाड़ा काट डालो। दुनिया के हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जिसकी माँ नहीं तो बाप उसी स्कूल का टीचर होता है, और पता नहीं कैसे ये बच्चा हमेशा क्लास में टॉप मार जाता है। कौन बताएगा? मैं हूँ ना। नहीं, इसका बाप टीचर है तो इसको होमवर्क माफ, पनिशमेंट माफ, एग्जाम में कॉपी माफ, वैसे क्वेश्चन तो इसको पहले से ही मालूम होंगे। मैं तो बोलता हूँ ऐसे बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? पैदा होते ही हाथ में डिग्री थमा कर एप्पल की बोर्ड मीटिंग में क्यों नहीं बिठा देते? जैसे ही हम एग्जाम हॉल में एंटर करते दो टकले स्क्वाड नामक प्राणी आते जो हमारी थर्ड डिग्री चेकिंग करते। ये क्या है? चाबी है सर, बाहर रख के आओ। ये क्या है? ये वॉलेट है सर, बाहर रख के आओ। और ये क्या है? सर ये तो ऑपरेशन से ही निकलेगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है क्लास के कुछ बच्चे ऐसे पेपर लिखना चालू कर देते जैसे सारी किताबें इन्होंने ही लिखी है। इनके मोटे मोटे आंसर्स देखकर ऐसा लगता है ये बनेगा अगला आइंस्टाइन। इसी बीच में एक जानी पहचानी आवाज आती है, सप्लीमेंट। ये शब्द गरम तेल की तरह कानों में पड़ते ही सारे लोग उस बच्चे की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उसने सप्लीमेंट नहीं डिवोर्स मांगा है। जैसे ये एग्जाम खत्म हो जाता है हम लोगों को सप्लीमेंट बांधने के लिए थ्रेड्स दिए जाते हैं। जरा जाके कोई इन बहन के पकोड़ों को समझाओ कि स्टेपलर का इन्वेंशन हो चुका है भाई, नहीं तो स्टेपलर से पिछवाड़ा बंद कर दूंगा मैं। जैसे ही हमारा रिजल्ट लगता है पापा शुरू हो जाते, वो शर्मा जी के बेटे को देख 90% लाया है वो। नहीं मुझे एक बात बताओ, ये शर्मा जी का बेटा है कौन? और दुनिया के सारे अच्छे काम करने का कॉपीराइट लेके रखा है क्या ये शर्मा जी के बेटे ने? मुझे आज तक मेरे आस पड़ोस, पड़ोस का गांव, पड़ोस का जिला, पड़ोस का देश कहीं पे भी शर्मा जी और उसका बेटा नहीं मिला। कहां रहते कहां है ये भोपाली के, जहां पे भी मिल जाएंगे सालों को ठोक दूंगा। कंट्रोल भाई कंट्रोल। अगर आपको 10वीं में 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आपसे बदनसीब इंसान कोई नहीं है दुनिया में, आपने खुद का ही चुटिया काट लिया है। क्योंकि जिन लोगों को 50-60 मिला है उन लोगों के पास करियर चूज करने की पूरी आजादी है, चाहे तुम आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ या मैनेजमेंट में जाओ। लेकिन आपको गलती से भी 80 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो आपको साइंस में जाने से भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे देश में आर्ट्स और कॉमर्स में जाने वालों को होशियार नहीं माना जाता। लेकिन वही लोग आज बिजनेसमैन और कलाकार बन गए और साइंस वाले बेकार बन गए। जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है हमारे घर वाले हाथ धोकर पीछे पड़ जाते। अगर हम 10वीं में है, अभी पढ़ ले बेटा 10वीं के बाद तो ऐश ही ऐश है। 12वीं में, अभी पढ़ ले बेटा 12वीं के बाद तो ऐश ही ऐश है। कॉलेज में, अभी पढ़ ले बेटा ग्रेजुएशन के बाद तो ऐश ही ऐश है। नहीं कहा है कहा ये ऐश, ऐश तो सिर्फ अभिषेक के पास है, हमारे पास तो बाबा जी का ठुल्लू बचा है सिर्फ। साला ऐश ऐश करके घर वालों ने ही धोखा दे दिया। हमारा तो अपनों ने काटा, गेरों में कहा दम था, मेरी टट्टी थी चूटी वहां जहां पानी कम था। अगर आप भी मेरी तरह एग्जाम की अगली रात पूरी पढ़ाई करके पास होने के सपने देखते हो तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, आपका सपना पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो हर उस सुनसान व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो जिसके मेंबर्स पढ़ाई में बिजी है। आप टॉप मारोगे तथास्तु। I have you now.